नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। दोस्तों आज हम आपको सहस्त्रलिंग तालाब को दिखाएंगे। सहस्त्र का मतलब 1000 लिंगों से बना हुआ तालाब को आज हम आपको दिखाएंगे, जिसको राजा सिद्धराज जय सिंह ने 11वीं सदी में बनवाया था। ये एक कृत्रिम एक आर्टिफिशियल फॉन्ट्स है। तो आप जैसे ही रानी की वाव से बाहर निकलते थे, आपको राइट साइड में थोड़े ही आगे चलेंगे तो आपको सहस्त्रलिंग तालाब का गेट मिलेगा। सहस्त्रलिंग तालाब जाने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि राइट साइड में होटल तोरण है। इसके पहले यहाँ पर एक नाला आएगा और जैसे ही नाला को आप क्रॉस करेंगे तो आपको सीधा ही सहस्त्रलिंग तालाब का गेट मिलेगा, जहां पर आप अपने व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं। अगर आप सहस्त्रलिंग तालाब में जाएंगे तो यहां पर कोई एंट्री फीस नहीं है, आप निशुल्क इसके अंदर जा सकते हो और सहस्त्रलिंग तालाब का मजा ले सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर सहस्त्रलिंग तालाब को देख सकते हैं, उसकी बनावट और उसकी सुंदरता का आप लुत्फ उठा सकते हैं। इसको इस तरह से बनाया है कि यहाँ से पानी जाता है और एक जगह पर वो पानी इकट्ठा होता है, वो मैं जगह में आपको आगे दिखाऊंगा। इसके पहले इस सहस्त्रलिंग तालाब का इतिहास क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे। सहस्त्रलिंग तालाब एक जलाशय है जिसका शाब्दिक अर्थ है 1000 लिंगों की झील। इसका निर्माण दुर्लभ सरोवर नाम की झील पर 1084 में सिद्धराज जयसिंह ने करवाया था। झील गुजरात राज्य में पाटन में रानी की चर्च के उत्तर में स्थित है। झील पर 3 बार हमला किया गया था और फिर भी अपने कुछ हिस्से को अभी तक बरकरार रखने में सफल रही है। जलाशय का निर्माण सरस्वती नदी से पानी लाने के लिए किया गया था। इसमें प्राकृतिक रूप से छानने की प्रणाली अंतर्निहित है। खंभों पर बने प्लेटफॉर्म अभी भी झील का एक आभासी दृश्य प्रदान करता है। जलाशय में कई देवताओं की मूर्तियां भी हैं। सहस्त्रलिंग तालाब एक मध्ययुगीन कृत्रिम तालाब है जिसके चालुक्य सोलंकी के शासन के दौरान उसको बनाया गया था, लेकिन अब यह खाली और एक खंडहर अवस्था में है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। इस तालाब को खोदने वाला रूड़ा नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी पत्नी का नाम था जश्मा ओडन, जिसकी सुंदरता देखकर यह राजा उस औरत के ऊपर मोहित हो गया और उसको शादी का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन उसकी पत्नी ने उसको शाप दिया, शाप ऐसा दिया कि इस तालाब में कभी भी पानी नहीं भरेगा और वो सूखा ही रहेगा। तो इस शाप को दूर करने के लिए, इस शाप को निरस्त करने के लिए एक मानव बलिदान की आवश्यकता थी। इस तालाब को इस सांप से मुक्त करने के लिए एक व्यक्ति ने बलिदान भी दे दिया। तो सिद्धराज जयसिंह ने उसके घर वालों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया और उनको रहने के लिए जगह भी दे दी। इस तालाब की वास्तुकला ने हिंदू धर्म में जल प्रबंधन और पानी की पवित्रता की महान भावना को एकीकृत किया। सरस्वती नदी की एक नहर से पानी प्राप्त करने के लिए तालाब का इस्तेमाल किया गया था और पत्थर की चिनाई के साथ लगभग 5 किलोमीटर तक फैला था। तालाब के किनारे 1000 शिव तीर्थ थे, उसी से कुछ अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। आकार में सबसे बड़ा और भव्य में से एक सहस्त्रलिंग तालाब है। यह विशाल आकार का एक जलाशय रहा होगा और उसके नाम को लिंगा के कई छोटे मंदिरों से निकाला गया था जो मध्ययुगीन काल के दौरान ध्वस्त हो गए थे। जब इसके खंडहरों के एक हिस्से पर एक बड़ा अष्टकोणीय रोजा खड़ा किया गया था, इसके आसपास का महान तटबंध ठोस ईंट के काम का है और पत्थर की चिनाई के साथ पानी की धार की सीढ़ियों की उड़ान का सामना कर रहा था। पूर्वी तटबंध के मध्य में पुराने शिव मंदिर के अवशेष है, जिसमें 48 खंभों के उपनिवेश के साथ मंडपों के तहखाने शामिल हैं। यह 16वीं सदी तक अच्छी स्थिति में था। पश्चिमी छोर की ओर एक रुद्र कूप है जिसमें सरस्वती नदी से पानी एकत्र किया जाता था, फिर सहस्त्रलिंग तालाब के इनलेट चैनल में जाने दिया जाता था। यह कुंड लगभग 40 मीटर व्यास का है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। Thank you.
दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।